हाय, इट्स बिनी फ्रॉम बिनीज किचन। सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था। सॉरी फॉर दैट। अभी बैक ऑन ट्रैक। सो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा वीडियो शेयर किया जाए जो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे, कुछ नया हो। सो मैं इसलिए आप लोगों को एक रेस्टोरेंट लेके आई हूँ जो हैदराबाद में है। इसका नाम प्लेटफॉर्म 65 है। नाम से एंड एंट्रेंस में आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि इसका थीम क्या होगा। ट्रेन बेस्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बस लुक ऐसा नहीं बनाया गया है, और भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को न्यू लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड फूड के बारे में ये बता दूं मैं कि यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने जो भी मंगाया था बहुत ही स्टार्टर्स भी बहुत अच्छे थे एंड बिरयानीस भी बहुत अच्छे थे। तो थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ का सराउंडिंग दिखा देती हूँ। देखिए सीट्स, जैसे कि लुक है ट्रेन में जैसे सीट्स देते हैं, उसका सराउंडिंग माउंटेन टाइप का कुछ बनाया हुआ है वॉल में। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे मंचरियल लिखा गया है। मंचरियल की बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये बस शो अप के लिए नहीं है, ये सब यूज़ होता है। मतलब कि जब आप लोगों के खाना मीन्स रेडी हो जाएगा तो फिर आप लोगों का वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म में लाइट्स हैं ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर हो जाते हैं तो आपका फूड आएगा। मैं थोड़ा सा सस्पेंस ओपन कर दी, बट ये है कि आप जब देखोगे ये सब चीज़ अपने आँखों से तो आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए साइड में उन लोगों का लाइट्स ग्रीन हो रहे हैं, मतलब कि सिग्नल, ग्रीन सिग्नल है कि उन लोगों का फूड आ रहा है। कुछ डिफरेंट है ना, जैसे कि अभी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ट्रैक बनाया गया है, ट्रेन बनाया गया है, ट्रेन में फूड आ रहा है। हाँ ये है कि सर्विंग के लिए कोई एक रहता है वेटर। अभी मेरे प्लेटफॉर्म का सिग्नल ग्रीन हो गया है तो मेरे प्लेटफॉर्म में फूड आने वाला है। हाँ मैं और एक बात बता दूं कि ये हैदराबाद में बहुत जगह में, पहले तो बहुत कम था, अभी बहुत जगह में होने लगा है। जैसे कि हम लोग गए थे, ये कोमपल्ली का है, कुकटपल्ली में भी है, दिलसुख नगर में भी है, गच्छीवौली में भी है, और भी बहुत सारे हैं। लोगों को पसंद आएगा ही, क्योंकि कुछ नया थीम था, बच्चों को पसंद आता है और फैमिली भी अच्छे से मीन्स एंजॉय करते हैं। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज आए हुए थे एंड फूड भी बहुत अच्छा रहता है। सो ये तो ओबियस सी बात है कि इसका इतने सारे ब्रांच होंगे। सो अभी चलो फूड एंजॉय करते हैं। मैं आपको फूड भी दिखाऊंगी, कितना सॉफ्ट था, कितना टेस्टी का तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं ही बता रही हूँ कि यहाँ का फूड रियली 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 बहुत अच्छा था। एंड ये भी है, देख के पता चल जाता है कि इसका टेस्ट ऐसा होगा। सो लेट्स एंजॉय आवर फूड। ट्रेन को बाय बोल के हमारे फूड की तरफ जाते हैं कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि मीन्स वन ब्रेक में ये ब्रेक हो जा रहा है। इतना सॉफ्ट था एंड टेस्टी भी बहुत ही था। पता है अभी ये देख के ना मुझे अभी फिर से खाने के लिए मन कर रहा है, अभी फिर से प्लेटफॉर्म 65 जाने के लिए मन कर रहा है। ये इतना अच्छा था। आई थिंक यहाँ पे बच्चों का खाने का स्टाइल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना टेस्टी था। ये तो हो गया स्टार्टर, अभी हम लोग मेन कोर्स की तरफ चलते हैं। मेन कोर्स में हम लोगों ने ऑर्डर किया था प्रॉन बिरयानी एंड चिकन पुलाव। सो ये है प्रॉन बिरयानी। आप लोग देखो, दिखे कि इतना ऑयल नहीं है एंड खुला है, अच्छा है। ये भी सॉफ्ट था, प्रॉन भी बहुत सॉफ्ट था एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये दूसरा जो चिकन पुलाव, ये नहीं था कि पुलाव है तो चिकन बॉयल लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। पुलाव का राइस भी बहुत टेस्टी था एंड चिकन भी अच्छे से बॉयल होके टेस्टी था। और वहाँ पे जो ग्रेवी देते हैं सलाद, ये देख रहे हो आप कितना थिकनेस इसका अच्छा था। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, कहीं कहीं का खट्टा रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। टेस्ट सुपर्ब था, हर चीज़ का टेस्ट अपने हिसाब से बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो माउथ फ्रेशनर देते हैं वो तो सबका फेवरेट रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। और एक बात आप लोगों को हमेशा याद दिलाती हूँ कि मेरा और एक चैनल है जिसका नाम BR दिल से है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।